1999 2023 34 years, 34 साल. 34 साल में इस गाड़ी का क्या हाल हुआ है उस हाल को देख. मर्सिडीज G300, इस मॉडल को W124 भी कहते हैं और ये 1986 से लेके 1993 तक जर्मनी में प्रोड्यूस हुआ. ये जर्मनी के मशहूर जमाना 123 मॉडल के बाद लॉन्च हुआ और 1993 के बाद ई क्लास के नाम से मशहूर हुआ. ये गाड़ी एक मिड साइज रियर व्हील इंजन ड्राइव के तौर पे मशहूर है और जर्मनी में एज अ डेली ड्रिवन कार बहुत अरसे तक मशहूर रही. अगर हम इस गाड़ी को एक्सटीरियर से देखें तो एक्सटीरियर में जर्मन बीइंग अ जर्मन पेंट, गाड़ी का पेंट अपनी जगह पे इंटैक्ट है और अभी भी काफ़ी पेंट बाकी है. इस पर काफ़ी हमें डीप स्क्रैचेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि मर्सिडीज़ है तो इसके ऊपर हम ड्राई सैंडिंग भी कर सकते हैं जिससे ये स्क्रैचेस काफ़ी हद तक संभल जाएंगे. बर्ड ड्रॉपिंग ने जगह जगह जो है इसके पेंट को डैमेज किया हुआ है ऑलरेडी, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ इरिवर्सिबल, उसको हम कुछ कर नहीं सकते. ओवरऑल गाड़ी का पेंट क्वालिटी अच्छी है, कुछ जगहों पे रस्ट अभी नज़र आ रहा है. चूंकि ये गाड़ी कस्टम कन्फिस्केटेड थी और ऑक्शन में क्लियर हुई है, ये गाड़ी ओपन में खड़ी रही होगी, उसकी वजह से ये चीज़ें बनना बनता है. ये लोगो, कस्टमर से बात हुई है, ही इज़ अरेंजिंग इट. हम भी अपने सोर्सेज से पता कर रहे हैं कि किसी तरह हम ये लोगो अरेंज कर लें. डिग्गी को देखते ही तो मुझे मज़र का ख्याल आता है. माशाल्लाह इतनी बड़ी डिग्गी है कि मज़र जैसे दो आ जाए हमारे. गाड़ी का कलर कुछ जगहों से ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसको थोड़ा डेलिकेटली काम करना पड़ेगा. हैंडल्स का कलर फेड हो चुका है, इसको भी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. अगर हम गाड़ी के इंटीरियर पर आते हैं, इंटीरियर गाड़ी का जो है कंपैरेटिवली अगर हम देखें 89 के हिसाब से जो है काफ़ी संभला हुआ है. कस्टमर ने गाड़ी लेते के साथ ही इसके सीट कवर्स जो है वो बनवाए हैं और वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल वंस. सबसे जो इसमें प्रोमिनेंट चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आ रही है वो है गाड़ी की छत. यूजली अगर हमारे पास जो गाड़ियाँ आती हैं इस मॉडल की, उनमें जो सबसे पहली जो चीज़ जो नज़र आती है वो गाड़ी की लटकी हुई छत है, बट इस केस के अंदर अगर हम देखें तो गाड़ी की छत जो है बहुत ही इंटैक्ट है और बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे इसने रूफ लाइनर ने रूफ को की जो ओरिजिनल बॉडी है उसको छोड़ा है. बाकी जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में इसकी छत है. और बाकी अगर हम इंटीरियर की बात करें कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है. ओ वाओ, कहने को तो ये सिर्फ एक जो है पीस, एक पेपर का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा है, बट अगर इसकी हम लेगेसी देखें और हिस्ट्री में जाएं तो ये 1989 का जिस वक्त ये गाड़ी बनी थी ये उस वक्त का स्टिकर है. तो जिस तरह की गाड़ी जिस का जो ओनर है उसके लिए एक बहुत वैल्यू रखता है, तो हम चाहेंगे हम इसको भी वैल्यू दें और इसको भी संभाल के रखें. इन गाड़ियों पे आप बैठते हैं ना तो आपको आप जाते हैं एक हिस्ट्री में, आप क्वालिटी देखते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1989 और 89 के अंदर भी इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो हीटेड सीट्स के ऑप्शन मौजूद हैं. और हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो पावर सीट्स हैं इसमें. जर्मनी एट इवन एट दैट टाइम इज फार बेटर देन अस. अब अगर हम खाली इसके ग्लव कंपार्टमेंट को खोलें तो बाकायदा उस वक्त भी इस चीज़ का ख्याल था कि अंदर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आज तक शायद हमारे यहाँ तो इसका अब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया है. मेरा नहीं ख्याल कि हमारी होंडा सिविक जो गया 1 करोड़ की भी अगर कोई गाड़ी है तो उसके अंदर जो है वो ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर लाइट दी हुई है. इंजन रूम इसका काफ़ी संभला हुआ है और इसको हम समझते हैं कि मज़ीद हम डिटेलिंग के थ्रू इसको मज़ीद हम बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह और एंड रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं. अगर हम इस सितारे की बात करें, हमेशा से मर्सिडीज़ का सबसे प्रोमिनेंट फीचर इसका 3-pointed star रहा है जो कि लैंड, सी और एयर इन्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. और मर्सिडीज़ के इस विजन को कि वो इन तमाम इन्वायरमेंट्स पे अपने इंजन के थ्रू डोमिनेट करेंगे, इस ख्वाब को रिप्रेजेंट करता है. तो ये वो सितारा है जो कि समझ लें कि ख्वाब है और 34 ईयर्स गुजरने के बाद भी मौसम के जितने भी हालात और जो भी वाकयात हुए उसने इस सितारे की शाइन को नहीं कम होने दिया. दिस इज़ द लेगेसी बिहाइंड मर्सिडीज़. हम इस मर्सिडीज़ की डिटेलिंग का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सफ़र में हम आपको अपने साथ लेकर चलें. हमारे साथ रहिएगा. बहुत शुक्रिया.
हर बड़ा ब्रांड अपने साथ कुछ वैल्यूज़ कैरी करता है। मर्सिडीज़ की उन वैल्यूज़ के अंदर एक वैल्यू है केयर। आपको मर्सिडीज़ की तकरीबन तमाम गाड़ियों के अंदर फर्स्ट एड किट मिलेगी। इस फर्स्ट एड किट के अंदर आपको बैंडेजेस, ग्लव्स, सीजर, प्लास्टर, वाउंडिंग ड्रेसिंग, गॉज और इमरजेंसी ब्लैंकेट मिलता है। इस इतनी पुरानी मर्सिडीज़ की डिटेलिंग के बाद हम इस बात पे तो कायल हो गए कि मर्सिडीज़ की जो ब्रांड पर्सनालिटी है, लग्जरी, एफिशिएंसी, प्रिसिशन और प्रेस्टीज, ये तमाम चीज़ें इस इतनी पुरानी गाड़ी के अंदर भी बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही थी और ये बता रही थी कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और कस्टमर केयर का कितना ख्याल रखना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ सफ़र करने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें Facebook पे फॉलो कीजिए और Instagram पे फॉलो कीजिए। एक नई वीडियो, एक नए सफ़र के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।